ये खबर सिर्फ कागजों की है, क्योंकि कागजों में जो दम होता है वो किसी में भी नहीं। पंचौरा न्यूज आपको कागजों पर ही ये खबर दिखा रहा है। बस इसको समझने की जरूरत है, क्योंकि एक जवान ने अपने साथ हुई नाइंसाफी को कागजों के दम पर ही लड़ा और न्यायालय से जीत हासिल की। दरअसल हमीरपुर के मोहदा कोतवाली अंतर्गत 25 सितंबर 2020 को एक बीएसएफ जवान के साथ हुई थी अभद्रता की घटना, जिस मामले में सीजीएम ने धारा 156 उपधारा 3 के तहत कार्यवाही करते हुए 5 दरोगा सहित 5 सिपाहियों पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश पारित किया था। आपको बता दें कि मामूली से मामले को लेकर पुलिसकर्मियों ने बीएसएफ जवान के साथ दबंगई दिखाई थी। इस घटना में थप्पड़ मारने वाले दरोगा गुलाब सिंह पहले ही निलंबित हो गए थे, लेकिन अब दरोगा गुलाब सिंह, देवी दीन, जुबेर खान, देवेंद्र और तौफीक पर मुकदमा दर्ज होगा और सिपाही राजेंद्र, संदीप, राहुल, अमित और तनवीर पर भी मामला चलेगा। द पंचौरा न्यूज के लिए हमीरपुर से अनवर रजा की रिपोर्ट। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जुड़े रहिए अपने शहरों की खबरों के संसार के साथ, पंचौरा न्यूज़ के साथ।